चलिए थोड़ी देर के लिए आपको काल चक्र के विपरीत 2.5 दशक पीछे के उस उत्कल भूमि की यात्रा में ले चलते हैं। एक ऐसी भूमि जहां इंसान क्या स्वयं जगत के नाथ भी यात्रा पर निकलते हैं। कभी एकाम्र क्षेत्र के नाम से पहचाने जाने वाली इस भुवन के ईश्वर को अर्पित इसकी राजधानी में मैं अपने महाविद्यालय की पढ़ाई के लिए सन 1999 में गया था। यह तब का भुवनेश्वर है जब रसूलगढ़ से खंडेगिरी की छोटी सी दूरी के भीतर शायद पूरा शहर समा जाता था, जब नगर में सिर्फ 2 फ्लाईओवर हुआ करते थे और रेलवे स्टेशन पर केवल 4 प्लेटफॉर्म, जब श्रेया स्वाति स्तुति तीनों मिलकर वहां की इकलौती मल्टी स्क्रीन सिनेमाघर कहलाती थी, जब जयदेव विहार में मेफेयर लगून की नई नई स्थापना हुई थी और जनपद की स्वस्ति ग्रैंड शायद तब का सबसे पसंदीदा होटल था। शहर के यातायात को संभालने के लिए लाल हरी पीली बत्ती की सिग्नल से ज्यादा दिखते थे हाथों से इशारे करते हुए ट्रैफिक पुलिस, जो तैनात थे हर चौक पर, जिसे उड़िया में कहते हैं चौको। ये दौर था कदम कदम पर पाए जाने वाले पीसीओ बूथ्स और इंटरनेट सेंटर्स का, और जब साइकिल से अपग्रेड होने वाले कॉलेज छात्रों के पास हुआ करता था हीरो बुक मोपेड। उस वक्त जिंदगी मुझे एक ऐसे रोचक मोड़ पर ले आई थी जहां मेरी तरह ही कई छात्र अपने घर और परिजनों को छोड़कर आए थे। एक विद्यार्थी के रूप में मेरी हॉस्टल लाइफ की शुरुआत हो चुकी थी एक ऐसे शहर में जहां सबकी भाषा उड़िया थी। भुवनेश्वर एयरपोर्ट परिसर से बिल्कुल सटा हुआ था मेरा ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। गंगानगर चौक से पाए मुड़ जाने पर थोड़ी ही दूर पर अन्य हॉस्टल्स के संग स्थित था हॉस्टल नंबर 9। हॉस्टल में बिताई गई मेरी पहली ही रात से मैं काम पर लग गया था लिखने के लिए। मुझे यह कार्य सौंपा गया था हॉस्टल में मेरे सीनियर पिंटू भाई के द्वारा, जो अगले दिन हॉस्टल में आयोजित होने वाली इंग्लिश एलिक्यूशन प्रतियोगिता में भाग लेना चाह रहे थे। क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा था इसलिए उनका यह सोचना भी स्वाभाविक था कि मैं अंग्रेजी बेहतर लिख सकूंगा और संभवतः उन्हें प्रतियोगिता की धनराशि को जीतने में मदद भी कर सकूंगा। अब उन्हें यह कैसे कहता कि लिखने में मेरी न कोई रुचि थी, न हुनर और न कोई अनुभव। पर सीनियर का फरमान था तो रात भर लगा रहा। अब वो स्मार्टफोन का जमाना तो था नहीं कि चैट जीपीटी या गूगल पर सर्च कर लें। हाँ, पर एलिक्यूशन का टॉपिक ज्यादा असामान्य नहीं था, इंडिया इन द न्यू मिलेनियम। अपने स्कूल से अर्जित सामान्य ज्ञान और जीवन के अनुभवों के सहारे मैं बस लिखता चला गया। अब काफी रात तक इस कार्य में जुटे रहने के कारण मुझे सुबह उठने में देर हो गई। खैर, हाथ मुंह धोकर अपने 3 पन्नों पर की गई मेहनत लेकर जब मैं पिंटू भाई के कमरे तक पहुंचा तो वे वहां नहीं दिखे, पर सामने से आते हुए चश्मा लगाए हुए 2 लड़कों ने मेरी ओर घूरते हुए कहा, पिंटू भाई को खोजु छ? से नहांती, वार्डन सर संगरे कथा होचंती। उनकी बॉडी लैंग्वेज से साफ झलक रहा था कि वे यह तो समझ ही गए थे
कि मैं हॉस्टल में नया हूँ। आउ कौन नुआ की कॉलेज रे? हाँ हो हो आसो संध्या देखा हवा खटी कर। कहते हुए वे वहां से निकल गए। वे दोनों सेकेंड ईयर के छात्र थे, ओंगोल डिस्ट्रिक्ट से सुप्रवीर दास और नुआपोड़ा से आलोक रंजन पाढ़ी, जो रूम नंबर 8 और 9 में रहते थे। कुछ देर उनके कमरे के बाहर इंतजार करने के बाद मैं टहलते हुए आगे बढ़ा तो देखा पिंटू भाई वाकई हॉस्टल वार्डन के रूम के बाहर उनसे बातें कर रहे थे। मैं वहीं पास के कॉमन रूम के दरवाजे पर खड़ा उनका इंतजार करने लगा। अंदर टीवी ऑन था और कुछ बच्चे देवानंद साहब की मशहूर क्लासिक फिल्म गाइड देख रहे थे। खाना चल रहा था। कुछ पल के लिए मैं भी उस गाने के बोलों में खो ही गया था कि तभी एक लड़के ने जोर से भारी आवाज में अंदर प्रवेश करते हुए उड़िया में कहा, काम है मैंने भारी हिंदी फिल्म देखा है कुछ बुझुचो कि नहीं मो? अर्थात क्यों भाई लोग हिंदी फिल्म देख रहे हो, कुछ समझ में आ भी रही है या नहीं? अंदर से किसी ने जवाब दिया, हाँ माँ काई बुझीबा निजे खाली तमे का बुझीबा कि भाई शाने। हाँ भाई क्यों नहीं समझेंगे, तुम क्या इकलौते हिंदी समझने वाले हो। देखते ही देखते माहौल गर्म होने लगा और बात भीतर बैठे फिल्म प्रशंसकों के स्वाभिमान पर आ गई जब अंदर घुसने वाले लड़के ने उन्हें गीत के बोलों का अर्थ समझाने को कह उन्हें चैलेंज कर दिया। बैठे हुए लड़के ने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि यह एक फिलोसॉफिकल गाना है, इसमें जीवन का गहरा फलसफा छिपा हुआ है। ये सुनकर पहले तो मैं भी इंप्रेस हो गया, पर उसके बाद जो अनुवाद मैंने सुना मेरे तो पांव के नीचे से जैसे जमीन ही खिसक गई। भाई हीरो निजो को गोटे मूसा बोली भाभी गीतटी बोलुची आ कहुची मूसा तू जा ना मूसा तू फेरिया तोर सेठी केही नहांती। उसने कहा कि हीरो खुद की तुलना एक चूहे से कर रहा है और कह रहा है, ए चूहे वहां जहां तू जाना चाहता है वहां तेरा कोई नहीं है, इसलिए चूहे तू लौटा। बहुत प्रयास करने पर भी मैं अपनी हंसी रोक ना पाया। उसने मुसाफिर शब्द को अपनी सुविधा अनुसार बेहद क्लिनिकली दो भागों में बांट दिया था। पहला मूसा यानी उड़िया में चूहा, जैसे गणेश जी मूस की सवारी करते हैं, और दूसरा फिर या उड़िया में फेरी आ, मतलब लौट आओ। हंसते हंसते मेरे पेट में बल पड़ गए। मुझे हंस हंस कर लोट पोट होते हुए देख शायद पिंटू भाई को भी वार्डन सर के साथ अपना संवाद रोकना पड़ा। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को संभालते हुए उनको अपना लिखा हुआ दस्तावेज सौंप दिया। अब पिंटू भाई उसे पढ़ रहे थे और मैं बार बार उस मुसाफिर को याद कर हंस पड़ता था। मेरे हिसाब से तो मैंने ठीक ठाक ही लिखा था, इसलिए मैं आश्वस्त था कि मेरा काम तो हो गया। अब केवल पिंटू भाई को ऑल द बेस्ट कहकर मैं कॉलेज निकल जाना चाहता था। वे थोड़ा पढ़ते और थोड़ा मेरी ओर अचरज भरी नजरों से देखते हुए पूछते, ये तूने लिखी है? कंफर्म करने के लिए उन्होंने मुझे एकाध शब्दों या वाक्यांशों के अर्थ भी पूछे। फिर कुछ सोच विचार कर उन्होंने मेरी ओर ध्यान से देखकर कहा, ओए सुन तूने तो बड़ा अच्छा लिखा है,
तेरी वोकैबुलरी तो सही है। मैंने मन ही मन सोचा, चलो जान बची, अब शाम को ताली बजाने आ जाएंगे पिंटू भाई की शाम में। पर वे तो कुछ और ही सोच रहे थे। मुझे लगता है कि तुझे ही प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करना चाहिए। जिस लेवल की अंग्रेजी तूने लिखी है वो तेरे मुंह से ही बेहतर लगेगी। सहसा तो मैं कुछ समझ न पाया। मैं कहां वहां से फटाफट भाग जाना चाहता था और पिंटू भाई मुझे भाग लेने को कह रहे थे। अब उन्हें कैसे समझाएं कि मुझ जैसे इंट्रोवर्ट के लिए स्टेज फ्राइट बड़ी भयंकर चीज थी। मेरे लिए 3 घंटे में 3 पेज लिख पाना ही एक कठिन कार्य था, पर इससे भी कहीं अधिक मेरे लिए टेढ़ी खीर थी। 3 मिनट तक उसे 100 दर्शकों के सामने बिना देखे बोलना। निसंदेह मेरी शिक्षा एक बेहतरीन इंग्लिश मीडियम स्कूल से हुई थी, पर वहां एक से बढ़कर एक अच्छे वक्ता हुआ करते थे, इसलिए मैंने कभी भी ऐसी किसी ओरेटरी स्किल से संबंधित स्पर्धा में भाग लेने के लिए हिम्मत जुटाने तक की भी कोशिश नहीं की थी। मैंने कईयों को मंच पर चढ़ते ही उनकी जुबान लड़खड़ाते और घुटनों को कांपते हुए देखा था। उनकी नसें फूलने लगती थी, उनके लिए सांस लेना तक मुश्किल हो जाता था। कुछ तो बस सार्वजनिक मंच पर शहीद होते होते बचे थे। ओए, 200 रुपए का फर्स्ट प्राइज है, कहते हुए पिंटू भाई मेरी पीठ थपथपाते हुए चल दिए। पिंटू भाई ये मुझे कहां फंसा गए, मेरी तो जान पर बधाई थी। पूरे 24 घंटे भी नहीं हुए थे मेरे हॉस्टल नंबर 9 में। अब मैं कॉलेज की क्लासेस में क्या ध्यान देता, चुपचाप क्लास में बैठा अपनी नोटबुक के भीतर रखे उन एलोक्यूशन पर लिखी पंक्तियों को रटने लगा। मेरा मन तो कर रहा था कि क्लास बंक कर प्रतियोगिता पर ही सारा ध्यान केंद्रित करूं। यह सोच भी पल भर के लिए आया कि शहर के दूसरी छोर पर रहने वाली मेरी दीदी तोपू नानी के घर चला जाऊं और अगले दिन सुबह लौटूं। तभी मेरी नजर क्लास में बैठी हुई वह फ्रॉक वाली लड़की पर पड़ी और पता नहीं कहां से अचानक मेरे अंदर एक आत्मविश्वास जाग उठा। क्या अच्छा मौका था मेरे लिए MMH नानी मोने मोने हीरो की इमेज से बाहर निकलकर असली नायक बनने का। प्रतियोगिता हॉस्टल में ही सही, पर बात वहां से निकलेगी जरूर। आधी मेहनत तो मैंने टॉपिक पर लिखकर कर ही डाली थी, अब बस उसे मौखिक रूप में प्रस्तुत करना बाकी था। वैसे भी मेरी यहां कोई पहचान नहीं थी, अगर मैं विफल भी हुआ तो क्या फर्क पड़ता, पर अगर किसी तरह इज्जत संभालते हुए मैंने पूरा बोल लिया तो कम से कम खुद की नजर में तो उठ जाऊंगा। निसंदेह यह एक अच्छा मौका था एक नई शुरुआत करने की। अपना पूरा सामर्थ्य दिया था मैंने उस दिन इसकी तैयारी में, कोई कसर बाकी न रह जाए इसलिए मैंने नरसिंह भाई के साथ रिहर्सल भी कर ली। आईने के सामने खड़े होकर 2-4 बार प्रैक्टिस किया और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को एक छोटे से चिट पर बोलने के क्रम अनुसार लिख भी दिया ताकि उसे बैकअप की तरह प्रयोग कर सकूं। शाम के 6 बजते ही पिंटू भाई मेरा हौसला बुलंद करने के लिए पहुंच गए। ओए मेरे शेर, सब सेट, आज मैदान मार लेना। खुद को प्रोत्साहित करते हुए
मैंने कॉमन रूम में पहली बार प्रवेश किया। तब तक वहां हॉस्टल की पूरी भीड़ जमा हो चुकी थी। उड़ीसा के कोने कोने से आए सभी छात्र तैयार बैठे थे। हॉस्टल वार्डन अचुत्यनंदन सावंतराय सर जज के टेबल के पीछे बैठे थे। इतना तामझाम देखकर अचानक मेरे चेहरे पर तो हवाइयां उड़ गई। ऐसा लगा जैसे मेरे पैर वहीं जम गए हों और गला पूरी तरह सूख गया हो। इतनी भीड़ होने के बावजूद मेरे कान सुन्न हो गए। ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे मेरे आत्मविश्वास के बलून से सारी हवा निकल गई हो और मैं सिकुड़ा हुआ सा वहां बस खड़ा रह गया। अपने खुद के लिखे हुए लाइंस याद रखना तो दूर, कुछ पल के लिए मैं प्रतियोगिता का शीर्षक भी भूल गया था। मेरी हालत तो उस चूहे की तरह दयनीय हो गई थी जिसे मन ही मन मजबूरन गाना पड़े। वहां कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहां।